मैं सुनील समीर आप सभी का चौपाल समाज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सरकार की जो मानसिकता है युवा विरोधी और एक तरह से शिक्षा विरोधी भी इस बात का परिचय मिलता है। हम खुद भी बात करेंगे भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी बिहार के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है, लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप नहीं होने दीजिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, पूर्णतः गलत हो रहा है। इसलिए आप इंटरफेयर कीजिए, आप बात कीजिए भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री से, या जहां आप आवश्यकता महसूस कीजिए वहां बात कीजिए। मैं खुद ही माननीय शिक्षा मंत्री जी से भारत सरकार से बात करूंगा, तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि आप भी बात कीजिए और यहां का शिक्षा विभाग भी इस तरह की युवा विरोधी शिक्षा विरोधी घटना को लोग देखते कैसे रहते हैं आंख मूंद करके, बहुत आश्चर्य की बात है। सरकार को यह काम करना चाहिए, तुरंत सरकार की नींद जगनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। कोई गलत निर्णय किसी कारण से अगर आ जाता है जो लोगों के हित के खिलाफ है तो अपना प्रोटेस्ट देना चाहिए। इसमें प्रोटेस्ट की भी बात बहुत नहीं है, इसमें जो हुआ है उसको याद दिलाने की जरूरत है, तो याद दिलाने का काम मैं भी करूंगा। लेकिन अब सत्ता में बिहार में जो लोग बैठे हुए हैं शिक्षा विरोधी, मैंने इसलिए कहा इस रवैया को कि अगर इनके मन में चिंता होती तो आज उपेंद्र कुशवाहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात नहीं बोलना पड़ता, और शिक्षक जो आंदोलित हैं जिनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है उनको इस काम के लिए सड़कों पर नहीं उतरना रहता, नहीं पड़ता, और बच्चों की पढ़ाई नहीं प्रभावित होती। तो इसलिए अविलंब ऐसी चीजों पर इनको ध्यान देना चाहिए ताकि उनके साथ अहित नहीं हो।